बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और नए रिश्ते के साथ हीरा चौधरी हाजिर है। दोस्तों, जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आज जो मैं रिश्ता लेके आई हूँ वो जफर इकबाल साहब का रिश्ता है। उनका सीरियल नंबर है 75। मैं आपको इनकी व्हाट्सएप डिटेल सुना देती हूँ, वॉइस मैसेज पे सुन लें। आप एड देते हैं रिश्ते की, तो मैं सऊदी अरब में मुकीम हूँ, रियाद में। मेरा जाती बिजनेस है, मेरी महाना इनकम जो है 1,25,000 रुपये। आपने आज एक लड़की का, मुझे नाम भूल गया, टेलीनार में काम करती है, उनका एड दिया था, तो मुझे पसंद है। तो मेरा जाती मकान है मरीज के, और कास्ट हमारी खोखा है राजपूत, और 1,25,000 रुपये मेरे सैलरी है। रहता हूँ तो पांच पल है, मुझे कोई इख्तलाफ नहीं पांच पल से। मेरे पहले दो बच्चे हैं और एक बेटी है, तो मेरी 45 ईयर एज है, तो कोई ऐसा मसला नहीं है। मेरा डबल स्टोरी मकान है मरीज के कनाल पर। तो ये मैं मैसेज आपको इसलिए सेंड कर रहा हूँ कि अगर आप मैंने नंबर मैंने के मार्क्स भी दिए हुए हैं, तो अगर वो मुझसे रब्ता करना चाहें तो कर सकते हैं। मेरा नंबर आपके पास है, ठीक है। मेरी एज जो है 45 ईयर है। रंग मेरा गंदमी है, और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से तल्ला रखता हूँ। मैं इंशाल्लाह उसको बहुत खुश रखूँगा, मुझे बहुत पसंद आई है वो, और बड़ी इंटेलिजेंट है, और मैंने उनको मार्क्स भी दिए हुए हैं। आप उनसे रब्ता करके मेरे साथ कॉन्टेक्ट करें, इंशाल्लाह सारी जिंदगी वो खुश रहेगी। अगर सऊदी अरब में मेरे साथ रहना चाहें तो कोई इतराज़ नहीं, नौकरी करें या ना करें वो कोई मसला नहीं, ना भी करना चाहें तो मुझे कोई इतराज़ नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरी कपड़े की दुकान है, मुलैया एरिया है रियाद में, उसमें कपड़े की दुकान है, और साथ में मेरे पास जो है ना वो कारीगर मैंने रखे हुए हैं, तो वो इनके जो अरबी ड्रेस होते हैं ना वो बनवाते हैं। बेसिकली मैं कपड़ा जो है ना वो परचेज करता हूँ। ठीक, अस्सलामुअलैकुम। पहले मेरी ना सऊदी अरब में, मैं सऊदी टेलीकॉम में था, बतौर असिस्टेंट था मैं, तो फिर 20 साल मेरी सर्विस हुई थी, तो फिर उन्होंने अभी सऊदी रखने शुरू किए, तो फिर हम जितने थे नाम है फर्क कर दिया। उसके बाद रिटायरमेंट थे, तो मुझे पैसे मिले थे 50,000 रुपया। फिर मैंने ना अपनी कपड़े की दुकान जो शुरू की थी, तो कपड़े की दुकान है, और उसके साथ ये सऊदी के ड्रेस जो होते हैं ना जेंट्स के, वो मैं बनवाता हूँ, तो यही मेरा काम है। तो और जो है सब आपके सामने, जो आज बात की है वो भी वही होगी, जो 10 साल बाद आप चेक करेंगे वही बात होगी, बाद में फर्क नहीं है इंशाल्लाह, क्योंकि खुदा को जवाब देना। तो पहले मैं आपको बता दिया कि मैं सऊदी टेलीकॉम में था, तो वहां से मेरी उन्होंने जब सऊदी के लोग रखने शुरू किए हैं, तो फिर हमें निकाल दिया था आज से 8 साल पहले। तो फिर मैंने वो पैसे मुझे मिले थे 50,000 रियाल, तो मैंने दुकान, मुझे एक दोस्त ने मशवरा दिया, तो फिर मैंने ये कपड़े की दुकान, जेंट्स कपड़े की दुकान है मेरी, ठीक है जी। ये हम कपड़ा यहाँ से परचेज करते हैं जद्दा से, और यहाँ पे जो है सऊदियों के ऑर्डर पे ड्रेस जो है बनवा के, तो यही मेरा बिजनेस है, और माशाल्लाह ठीक है, कोई किसी किस्म की टेंशन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उनसे पूछ लें, अगर उनकी रजामंदी है तो रब्ता करें, अगर नहीं तो कोई बात नहीं, नहीं तो फिर भी आप कोई ऐसी लड़की देखेंगे जिसकी एज 35 से 45 साल के दरमियान हो, बिल्कुल कोई बात नहीं। अगर एक आधा बच्चा भी हो तो कोई मसला नहीं, मेरे बच्चे जो हैं सारे अपनी अपनी जगह सेटल हैं, तो मुझे कोई, अगर ये अलग रहना चाहें तो लाहौर में रह सकती हैं, या जहाँ पे रहती हैं तो कोई बात नहीं है, मैं एक अलग घर बनाऊंगा। तो अगर जॉइंट फैमिली में मेरे साथ रहना चाहें तो फिर भी कोई बात नहीं, अगर सऊदी अरब में रहना चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये इनके ऊपर है। तो बाकी कोई ऐसा फाइनेंशियली कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है किसी किस्म की, तो मैं खुश व खुर्रम हूँ। तस्वीर मेरी आपके सामने है, वो बेशक उनको दिखा देना अगर वो रब्ता करना चाहें, तो अगर ये ना माने तो कोई फिर ऐसे रिश्ता आप मुझे बताएं कि जो हो
मतलब बेवा हो कोई बात नहीं ऐसी, लेकिन उसकी गवर्नमेंट जॉब हो, या तो वो नर्स होनी चाहिए या टीचर होनी चाहिए, चाहे कोई बात नहीं 40 साल हो जो 35 साल हो, यानी 35-30 से 45 साल के दरमियान ही तो वो हैंडसम, ये जरूरी है। तो कोई ऐसी बात नहीं, अगर ये नहीं मानती तो फिर आप दूसरी जगह चेक कर लेना, मैंने आपकी एड देखता रहता हूँ, आपके पास अक्सर आते रहते हैं, तो जो मुनासिब आपको लगे फिर मेरी बात कॉल कर देना, कोई बात नहीं। अच्छी सलाम अलैकुम। ये जी मैंने मैसेज कर दिया है, तो मैंने वो मैं लिखना भूल गया था उसमें आपके रिक्वायरमेंट में, कि उसमें ये था कि तलाक याफ्ता हो या बेवा हो कोई बात नहीं, 30 से 40 साल उसकी एज हो, ठीक है जी। ये मैं दोबारा मैसेज भेज दिया है, आप चेक कर लेना। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपके पास डॉक्टर वर्षा का रिश्ता आया है, मुझे ना औलाद की जरूरत है, कोई बात नहीं है, क्योंकि हाँ वो सेकंड मैरिज चाहती हैं, तो कोई मसला नहीं है, आप उनसे मेरा उनसे रब्ता करें तो फिर मुझे बताएं, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, अगर डॉक्टर वर्षा मानती हैं तो कोई मसला नहीं, मुझे औलाद की जरूरत नहीं है, बस मैं उनको खुश रखूंगा, बाकी जो अल्लाह को मिले ठीक। अस्सलाम वालेकुम, मुझे बताना कल। अस्सलामुअलैकुम। सिस्टर मैंने काफी अरसे से आपको कहा हुआ है, तो अभी आपकी एड में एक रिश्ता आया था जो ASI पंजाब पुलिस में है, दो बच्चे हैं उनके, तो कोई बात नहीं, मुझे हर बच्चे भी कोई बात नहीं, वो भी मैं संभाल लूंगा, कोई मसला नहीं है ऐसा, तो मरीम बीबी उनका नाम है, अगर चेक करें आप, अगर वो उनसे बात करें, अगर वो क्या कहती हैं, कोई बात नहीं, आपको सारी डिटेल तो मैंने दी हुई है, तो आप चेक करें, वो आपके पास ही आया है, तो मरीम बीबी हैं, पुलिस पंजाब पुलिस में है वो, तो कोई बात नहीं, बच्चे भी साथ में रहेंगे, हर चीज साथ में रहेंगे, अगर हो सके तो आप कोशिश करना, ठीक है जी। अल्लाह ज़फ़र इकबाल साहब का कॉन्टैक्ट नंबर आपको ऊपर स्क्रीन पे शो हो रहा है। दोस्तों उम्मीद है आपको ये रिश्ता पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।